सो गाइस, आप लोगों की जो डिमांड थी कि भाई करिश्मा XMR और पल्सर RS 200 की ड्रैग रेस करो, तो फाइनली आज लेके आ चुके हैं। उधर जो है ऑल न्यू ब्रांड न्यू करिश्मा XMR, इधर भी जो है भाई ब्रांड न्यू RS 200। अब RS 200 जो है ना हमें प्रोवाइड कराई है JSB बजाज, जो कि आप देख सकते हो। आप लोग यहाँ से जो है बाइक्स वगैरह खरीद सकते हो, काफ़ी बढ़िया रेट में आपको मिल जाएगी। नवीन बाइक का नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो आज जो अपन ड्रैग रेस करेंगे इन दोनों बाइक्स के बीच में, सबसे पहले आपको डिटेल्स बता देता हूँ। कुछ अराउंड 2 लाख रुपये के करीब जो है ऑन रोड पड़ती है, और वो भी कुछ इतने ही प्राइस में आ जाती है। तो दोनों सेम प्राइस की है, दोनों सेम सेगमेंट की है। वो 210 सीसी की है, और ये जो बाइक है ना ये है 200 सीसी की, लेकिन पावर आउटपुट ऑलमोस्ट सिमिलर आप बोल सकते हो। 24.5 bhp 25.5 bhp, मतलब 1 bhp ज़्यादा। उसमें लगभग 20.4 nm का टॉर्क, 18.5 के करीब जो इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वही आज इस ड्रैग रेस से अपने को पता चलेगा। मेरा जो वेट है भाई, मेरा है 78 kg। आयुष तेरा क्या वेट है? 63। तो अराउंड यहाँ पे 10 से 15 किलो का तो डिफरेंस है ही है। तो यदि थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको लगे ड्रैग रेस में, तो आप समझ सकते हो कि वो वेट का जो है बन सकता है। बट फिर भी यदि ज़्यादा डिफरेंस बनता है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ विनर वही है। तो चलो देखते हैं RS विनर बनती है आज या फिर करिश्मा XMR। तो करते हैं ड्रैग रेस को स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। सो अभी मैं चलाने वाला हूँ करिश्मा XMR और आयुष चलाएगा RS 200। थर्ड ऑन पे करते हैं स्टार्ट। थर्ड ऑन मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये देखो कुछ इस तरह से जो अपनी बाइक उठी हैं। और अभी तक जो है करिश्मा ही आगे थी, बट अब बाजी पलट चुकी है। तो RS है वो जा चुकी है कहीं ना कहीं मेरे वेट की वजह से, क्योंकि जो RS है वो फास्टर था, बट इतने भी नहीं है कि करिश्मा को हरा पाए। भाई सिस्टम 133 RS पीछे अपने, वो जो विनर है फर्स्ट राउंड की, वो कहीं ना कहीं करिश्मा बन चुकी है। और भाई मेरे को काफ़ी खुशी हो रही, क्योंकि भाई दोनों ही अपनी इंडियन ब्रांड्स हैं एंड दोनों ही काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो ये था फर्स्ट राउंड, अभी सेकेंड राउंड अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेकेंड राउंड में क्या परफॉर्मेंस रहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वेट का जो है ना उसको प्रो मिला है, क्योंकि मेरा जो वेट है वो 15 kg ज़्यादा है आयुष से, 15 से 18 kg। 63 उसका है, मेरा 78 है। सो हाँ 15 है। तो ये था फर्स्ट राउंड, अभी सेकेंड राउंड में राइडर्स चेंज करते हैं और देखते हैं। वेट की वजह से जो है ना वो, तू एक बार आगे निकला, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं हुई तेरे साथ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट था ना। फ्लैट है यार, फ्लैट गियर तक तो मैं घिसते चले गया, जैसे मेरा 6 लगा रेव लिमिटर किकिंग करा, उसके बाद में तो फिर मतलब ये चल ही नहीं रही थी। तू जा रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था वो एक स्पीड तक तो काफी फास्ट जाती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल करती है। पर देखते हैं अभी इस राउंड में क्या होता है। विनर जो है RS तो नहीं होगी, वही होगी, क्योंकि अब उस पर आयुष जा रहा है, तो आयुष का वेट थोड़ा और कम है। तो चलिए देखते हैं अभी एंड क्या कुछ रहता है इस राउंड में, वो आपको पता चल जाएगा। सो पहले अपनी पोजीशनिंग जो है लगा लेते हैं यहाँ पे, थर्ड हॉर्न पे जो है करेंगे। भाई साहब पीछे जो ना टायर, वो देखो गई। मैं सिर्फ उसी को देख रहा हूँ, मैं बाइक को देख ही नहीं रहा RS को, कि RS क्या कर रही है, क्योंकि वो इतनी फास्ट जा रही है कि भाई RS जो है ना उसको पकड़ ही नहीं पा रही है बिल्कुल भी। अब आयुष में वेट कम हो गया, तो करिश्मा को एक और जो है प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल गया है, और वो आप देखो कितना गैप बना गई है। सो विनर जो है भाई करिश्मा अगेन, लेकिन अब एक और ट्विस्ट आएगा जब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे RC 200 के साथ में, क्योंकि वहाँ पे पावर फिगर्स ऑलमोस्ट सेम होने वाले हैं दोनों ही बाइक्स के। तो आज तो जो है करिश्मा बाजी मार गई, बट नेक्स्ट वीडियो में क्या मार पाएगी उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से। और यदि आपको ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद दिखी है, या फिर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर नहीं हो, तो जाके चेकलिस्ट कर लेना, मतलब चेक कर लेना पूरी प्लेलिस्ट, आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ जो रिजल्ट्स थे वो रहे RC के साथ में। बाकी सभी के साथ हमने करिश्मा की ड्रैग रेस की है, जो जो इसकी बेस्ट कंपटीटर थी सभी के साथ में। सो आप लोग ड्रैग रेस की वीडियो कंप्लीट देख लेना जो भी हमने डाले अभी तक। तो चलिए यार ये थे कुछ आज की वीडियो में। एंड आयुष तेरे वेट की वजह से अब की बार ज़्यादा गैप बना है, गैप तगड़ा था, लास्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड में नहीं था, अभी बना है। क्यों? क्योंकि अब मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया RS पे, और तेरा वेट, हाँ टॉप एंड खत्म है उसका, लेकिन वो इनिशियल पावर नहीं दे रही जो ये दे रही है।
ये एकदम से व्हीली मारने को हो जाती है स्टार्टिंग में, वही। तो यार विनर जो है आज करिश्मा XMR है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में RC के साथ करते हैं। तो चलो यार ये तो कुछ आज की वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।